जैसे कि जिला पंचायत में भी पार्टी ने शिकस्त खाई है, इसके बाद अब जिले में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का क्या चल रही है, क्या चल रहा है आगे, प्रोग्राम क्या है? देखिए, अपना जिला पंचायत में कोई शिकस्त नहीं खाई है। जिला पंचायत में हरियाम बेईमानी हुई है। DMSP ने चुनाव लड़ा है, दबाव में सभी ने काम किया गया। हर जगह जिला पंचायत मतलब अध्यक्षों को हरवाया गया है। कहीं ना कहीं कहीं अपने जिला पंचायत अध्यक्ष के दावेदार को रोक दिया गया, कहीं रोक दिया गया। तो हम लोग एक जनता ने बहुमत दिया था पंचायती चुनाव में, जो पंचायती चुनाव हुए थे उसमें हम लोग जो भारी बहुमत से जीते थे। अच्छा, जीते सही बात है, ये तो आप मान रहे हो। आपके अध्यक्ष भी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आरोप लगा रहे हैं कि जीता, लेकिन कहीं ना कहीं गलती तो समाजवादियों की मिल रही कि जैसे भारी आदमी को विश्वास करना, इसमें कुछ तो आप मानेंगे कुछ गलतियां हैं या नहीं? देखिए, बाहरी आदमी विश्वास, ऐसी कोई बात नहीं है कि बाहरी आदमी विश्वास नहीं किया, लेकिन जब बाबा ही ऐसे लोग ढोंगी और मतलब झूठ बोलने लगेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं। एक प्रदेश में बाबा जी बैठे हैं कि हम बाबा आए थे कुछ दिनों के लिए, आए थे, चले गए, लेकिन बाबा पे हम लोगों ने भरोसा इसलिए जताया था कि उन्होंने अपनी आस्था जताई थी समाजवादी पार्टी में। हमारे हेमराज वर्मा जी पूर्व राज्य मंत्री ने लेके आए थे, तो ऐसा कोई ऐसी बात नहीं थी। हम लोगों ने उनकी आस्था को देखते हुए हम लोगों ने पार्टी में शामिल किया, तो उन्होंने कैंडिडेट बनाया था। माननीय हाईकमान के आदेश के अनुसार उन्हें बनाया गया। अब आगे की प्रक्रिया क्या है? चलो, ये तो बाबा जी ने जो करा वो बाबा जी जनता के आपके साथ छला बकाया, जनता के साथ किया, उनकी अपनी प्रतिक्रिया रही, लेकिन उन्होंने तो अपने आप को अभिनंदन बताया आपने। देखिए, अभिनंदन किया, ये अपनी जो झूठा फरेबी बाबा अपने आप अभिनंदन बता रहे हैं, इससे ज़्यादा शर्मनाक बाबा के लिए हमारे देश के मतलब जो एक अभिनंदन एक ऐसा था जिन्होंने अपने देश की रक्षा के लिए तो वहाँ जाके अटैक करके आए, तो कहाँ बाबा कहाँ अभिनंदन। ये तो भाई सरासर अब ऐसा हमें लग रहा है कि बाबा कहीं ऐसा तो नहीं कि दिमाग में उनका भाई। अरे नहीं भाई, वो तो आपकी पार्टी पाकिस्तान बता रहा है, बोले पाकिस्तान में जीत गए हो। देखिए, हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी पिछड़ों, दलितों, शोषितों, गरीबों, मजदूरों, नौजवानों, सबकी पार्टी है। सभी के पिछड़े मतलब सभी के हक की लड़ाई लड़ते हैं, सभी वर्गों के लिए उन्होंने काम किया है। हमारी पार्टी ने 100 नंबर दिया, 108 नंबर दिया, समाजवादी पेंशन दी, तो आप इस तरह का आरोप हमारी पार्टी कैसे लगा देते हैं? हमारी पार्टी इस समय बाबा ये बोला है कि हम जो है कि राजनीति में झूठ भी चलता है। बाबा कौन भरोसा कर रहा है बाबा? तो आगे की रणनीति क्या है? हमारी रणनीति ये है कि हम लोग बहुत पूरे दमखम से हमारी तैयारी चल रही है, जनता का बहुमत हमारे साथ है। हम लोगों ने बूथ स्तर तक की पूरी मजबूती तय कर ली है कि भाजपा सरकार कभी भी कुछ भी कर सकती है। हम लोग हमेशा चुनाव के लिए तैयार हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भी दिशा निर्देश होंगे हम लोग उसको अग्रसर काम करने के लिए हमेशा तैयार हैं। आगे चुनाव सही होंगे ये मानते हैं आप? आगे चुनाव सही होंगे ईमानदारियों के लिए मानते हैं आप? देखिए, आगे ये फिलहाल इस भ्रष्ट सरकार से हमें तो उम्मीद नहीं है कि सही हो, लेकिन हम लोग जो हैं अब इतना सचेत हो गए हैं कि समाजवादी कार्यकर्ता एक एक कार्यकर्ता जमीन स्तर की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार बैठा है, और जनता इतनी उब चुकी है कि वो खाली चुनाव सोच रही है कि कब चुनाव हो, कम साइकिल वाले बटन पर मोड़ लगाए। जो आपके अपने पार्टी के कार्यकर्ता थे जो इतने सालों से आपके साथ काम कर रहे हैं, उनको हटाकर या उनको ना समझकर एक बाहरी आदमी को 2-3 दिन के अंदर आप अपनी पार्टी में भागम भाग ले आए, उनको आपने जो है घोषित कर दिया, ये है क्या पार्टी के जो लोग काम कर रहे हैं आपकी पार्टी में उनमें रोष व्याप्त नहीं होगा इसका? देखिए, सभी को मालूम है कि हमारी समाजवादी पार्टी में पीलीभीत में खासकर बहुत ही समाजवादी पार्टी में क्षति हुई है। हमारे हाजी रियाजमा साहब जो है कोरोना काल में चले गए, उनकी बेटी जो है कोरोना काल में वो भी चली गई, और हमारे गोपाल कृष्ण सक्सेना जी वो भी पार्टी के स्तंभ से, उनका भी कहीं ना कहीं कोरोना काल में उनका निधन हो गया। तो
तो ये सब हमारी पार्टी को एक मतलब झटका तो लगा था, उसको संभालते हुए हम लोगों ने तब भी पार्टी का ग्राम में लगातार बढ़ोतरी कर रहे हैं। उनकी कमी तो हम लोग पूरी नहीं कर सकते। और रही बात कार्यकर्ताओं के मतलब मनोबल की, कार्यकर्ता का मनोबल आज भी वैसे है और पहले भी ऐसे था। कार्यकर्ता ये देख रहा है कि कब चुनाव हो, कब हम अपनी सरकार बनाएं। उसके लिए वो जमीनी स्तर पर, बूथ स्तर पर हर तरह तैयार बैठा हुआ है। नहीं, इसका दूसरा मतलब ये हुआ कि आपकी अपनी पार्टी में कोई भी आपको अपना ऐसा चेहरा नज़र नहीं आ रहा था जो जिला पंचायत का चुनाव लड़ पाए। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि चेहरा नहीं नज़र आया, चेहरा सब नज़र आया था। मैं आपको पहले बता देते हैं कि हमारे पूर्व मंत्री, क्योंकि हम भी अभी 4-5 महीने हुए हैं, हमारे जो वरिष्ठ नेता था वो दुनिया में नहीं रहे। हमारे पूर्व मंत्री हेमराज वर्मा जी, उन्हें अपने संग शामिल उन्होंने किया था। उनका जो भी अनुभव है, तो अनुभव में हम लोगों ने उन पर भरोसा, बाबा पर भरोसा जताया था। बाबा अपने आप में ये कह रहे थे कि हम जो हैं पार्टी में आस्था रख के आए हैं। तो हमारे मंत्री से उन्होंने भी अपनी आस्था जलाए थे। बाबा भाग गया तो इसमें हम लोगों को नहीं है, बाबा आया चला गया। अब बाबा ढोंगी निकला, बाबा कद्दार निकला, तो वही आप लोग। तो हमें ये भी लगा कि आपने आपकी पार्टी के व्यक्ति की चूक थी जिसे आपने अभी अभी पार्टी से निष्कासित किया है। नहीं, पार्टी निष्कासित जिसे हमने किया है वो उसमें इलेक्शन का भी मतलब नहीं था। वो हम लोग पार्टी के अंदरूनी मामले हैं, उसमें ऐसा भी मामला नहीं था।